नमस्कार, आज की खास बातचीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन ललित के पवार जी। ललित जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। पिछली बार जब आपके साथ इंटरव्यू किया था तब आप सेंटर में वहाँ पर संभाल रहे थे। सबसे पहले तो राजस्थान वापसी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मेरे ख्याल से दूसरी बधाई प्री आरएएस 2013 बिल्कुल सही तरीके से कराने के लिए भी आपको दी जानी चाहिए। 2015-2016 तो बस अब महीने भर की बात रह गई जी है, जी तो ये बैकलॉग से थोड़ा सा प्रेशराइज फील कर रहे हैं? जी नहीं, अभी 2013 का एग्ज़ाम हमने कराया और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में करीब करीब 8 से 10 महीने और लगेंगे। फिर अगर इंटरव्यू होंगे? हाँ, इंटरव्यू होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जब तक ये प्रोसेस चल रहा है कि 2013 का फाइनल सिलेक्शन स्टेज पे पहुंचेगा नेक्स्ट सितंबर तक इंटरव्यू मिला के, तब तक हम 2016, और हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वो सारी वैकेंसीज हमको क्लब करके भेज दें, 14 की, 15 की और 16 की भी, ताकि जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन हम करेंगे मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर 2016 में करेंगे, और वो 2016 का एग्जाम होगा उसमें 3 साल का बैकलॉग हम क्लियर करने के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर हर स्टेट में सेंटर में साल दर साल ढंग से ब्यूरोक्रेसी काम करती है। एग्जाम्स होते हैं, जो जी भी जी वैकेंसीज होती हैं वो फिल होती हैं। एक हमारे यहाँ है कि हम लोग 4 साल पहले चल रहे हैं। हाँ, तो उस बैकलॉग को हम 1 साल में क्लियर कर देंगे। बैकलॉग आप क्लियर कर देंगे। देखिए, प्री आरएएस 2013 बिल्कुल सही स्मूथली हुआ, कोई भी आउटवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, तो उससे डेफिनेटली जो आरपीएससी की क्रेडिबिलिटी पिछले 1 साल में डाउन आई है उसको थोड़ा सा तो सर संबल मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी सर, आप ये मानते हैं कि अभी ये एक दोबारा आरपीएससी को एक स्तंभ की तरह खड़े करने में अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न चिन्ह बहुत सारे हैं सर अभी आज भी आरपीएससी पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अनिता जी, 66 साल पुराना संगठन है, एक संवैधानिक संस्था है, 66 ईयर्स ओल्ड। जी और पिछले वर्षों में जो कुछ भी हुआ उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं हमेशा ये मानता हूँ बीती ताहि बिसारी दे, आगे की सुधि ले। नहीं, तो वेरी हमने डिप्लोमेटिक ऑल्सो जी। हमने शुरुआत कर दी है और एक तरह से टर्न अराउंड फेज शुरू हो गया है, जी जो डिक्लाइन था वो रुका, और दो एग्जामिनेशन हमने किए हैं, एक तो 2013 का प्री किया जो बिल्कुल स्मूथली हो गया, एक हमने एपीपी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की जो बिल्कुल। भर्ती की वो पहली बार आरपीएससी के इतिहास में 15,000 कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया। जब एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है तो ना तो पेपर लीक होगा और ना नकल होगी, क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटल। आरएस का भी कुछ ऐसा हो सकता है सर, कभी ऑनलाइन हाँ, आगे हम तो देख सकते हमारा हैं? प्रयास ये रहेगा कि नेक्स्ट आरएस जो 2016 का प्रीलिम हो वो ऑनलाइन होगा। इससे मेरे ख्याल से बहुत सांत्वना मिली होगी, क्योंकि देखिए जी ललित जी, वो जब चीटिंग भी ना भाई, अब हमारे को तो जहां तक चीटिंग अपने स्कूल डेज में याद है कि कोई अगर चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया था तो बेचारा पर्ची पे कुछ केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिख के लाया हुआ था। दैट वॉज द लेवल। अच्छे दिन थे शायद वो, और आज के दिन तो पता नहीं जी ब्लूटूथ और वेस्ट और पूरे पूरे किट आ रहे हैं। आपने उस पर भी कुछ तहकीकात करी कि जी मतलब हाँ जी, होता है ना, यू नो योर एनिमी वाली बात होती है। तो इसलिए मैं, अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू वांट टू कैच ए थीफ डिप्लॉय ए थीफ। सो तो हाउ डिड यू डिप्लॉय अ थीफ? हाँ, तो हमने पहले ये समझा कि नकल कैसे की जाती है, तो मैंने खुद 4,700 रुपये का एक किट मंगवाया नकल करने का, जो ई बे पे उपलब्ध था, अच्छा, किट उपलब्ध है? उपलब्ध था, अब नहीं है। अच्छा, तो ओके। 4,700 रुपये का किट मंगवाया गया, तो उसमें एक बनियान, बनियान काले रंग की, उसके अंदर वायरिंग, और वहाँ तो मैंने खुद उसको नकल करके देखा, और फिर मैंने रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर मिस्टर बहादुर सिंह राठौड़ की सेवाएं ली, जो अच्छा। एक्सपर्ट है इस मामले में, विजिलेंस में और इस तरह के मामले में। फिर जो एसओजी हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसके एडिशनल डीसी त्रिपाठी, उनसे जाके मैं मिला, उनसे रिक्वेस्ट की, और एक पूरा एक टीम एफर्ट था, उसमें मैं राजस्थान पुलिस की जो हमको सहयोग रहा है, डीजी मनोज भट्ट साहब का और त्रिपाठी साहब का और पूरी टीम का, उनका मैं शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने नकल करने वाले गैंग को उनकी कमर तोड़ दी। और जब उनको सारी डिटेल्स मिली तो दिल्ली में छापा मार के 400 जैकेट्स बरामद किए। से भी आप, एक बार मैंने आपका कथन पढ़ा था कहीं कि राजस्थान के युवा अब नकल नहीं अकल से काम लेना शुरू कर दें, बिल्कुल, ये और ये मैं गुजारिश आरपीएससी करूँगा। बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है इस जी मामले में। लेकिन सर, जिन लोगों ने चीटिंग करी, जिन लोगों ने अनफेयर मींस लिए, उन पे कोई एक्शन? जी हाँ, हमने पिछले 66 साल के आरपीएससी के इतिहास में इतना सख्त एक्शन नहीं लिया गया जो हमने लिया। क्या 36 वो जो स्टूडेंट्स जो पकड़े गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया, उनको जिंदगी भर के लिए डिबार कर दिया। आरएस नहीं दे सकते? नॉट ओनली आरएस, जी, किसी भी राज्य की सेवा में, हिंदुस्तान में, वो कहीं भी वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे हमेशा के तो लिए। मेरे ख्याल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप देना चाह रहे हैं हमारे
युवा को और हमारे जो लोग आगे चल के भी एग्जाम्स दे रहे हैं कि शॉर्टकट्स और अनफेयर मींस नहीं चलेंगे, केवल मेहनत एक रास्ता है जी। और ये सही भी है, ये जरूरत नहीं भी होनी चाहिए। सर एक दिन में मेरे ख्याल से 83,725 एप्लीकेशंस आई, थोड़ा सर्वर भी डगमगा गया आपका, फिर हमने उसको ठीक करवाया और डेट भी बढ़ाई ताकि कोई एग्जामिनेशन को भरने से छूट नहीं पाए। अनिता जी हमारा प्रयास ये है और आपके इस लोकप्रिय कार्यक्रम के माध्यम से मैं राजस्थान की युवा प्रतिभाओं को ये उनके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि पेपर लीक होना, नकल करना और अनफेयर मीन्स लाना, ये सब ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं। हम प्रयास कर रहे हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे। जैसे वेरी सेंसिबल, जैसे कि पेपर लीक हो जाता था, पेपर डिजिटल कर दिया, नकल होती थी तो ऑनलाइन कर दिया। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो ललित जी, जैसे ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि भाई राजनीतिकरण क्यों, ड्रेस कोड तो सबके लिए लागू हुआ, तो थोड़ा सा सेटबैक हुआ आपको? ये जो ड्रेस कोड हमने लागू किया, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश जो कि उन्होंने AIPMT के एग्जामिनेशन के लिए दिए थे, हमने एग्जैक्टली उनमें से उनको हमने टोटो फॉलो नहीं किया। उसमें से 8-10 वो कारण जो कि ब्लूटूथ इनेबल टेक्नोलॉजी के मार्फत लोग बदमाशी कर रहे थे, जैसे कि अंदर बनियान पहन ली, उसके अंदर वायरिंग है और उसका यहाँ सिम है और वो ब्लूटूथ इनेबल। कपड़ों के लिए आपने क्या कहा कि क्या? हमने कहा कि आप हाफ शर्ट्स पहन के आएंगे, और कई बार लोग सॉक्स और शूज के अंदर कुछ डिवाइस छिपा लेते थे, तो हमने कहा आप सैंडल और चप्पल पहन के आइए। गर्ल्स को हमने कहा आप साड़ी सलवार सूट में आइए, और पहले ही हमने इसको पब्लिसाइज कर दिया था। इसके बावजूद कुछ युवा, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं या ध्यान नहीं रखा या लापरवाही थी, तो फुल शर्ट्स पहन के आ गए। तो चूंकि डायरेक्शंस थे तो उनसे कहा गया कि आप हाफ शर्ट्स पहन के आइए। जब हाफ शर्ट नहीं पहना तो उनका शर्ट उतरवा के बनियान में एग्जामिनेशन दिया। तो ये एक मैसेज था कि 2.5 लाख जो कैंडिडेट्स बैठे हैं, कि जो गाइडलाइंस दी जाती जरा उनको आप पढ़ के आइए, प्लस जो चीटिंग करता है वो प्रतिभाओं के साथ एक खिलवाड़ करता है। तो हमारा प्रयास था कि फेयर प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड राजस्थान के टैलेंट को मिले, और मेरे हिसाब से हमने जो शक्ति दिखाई उसका इम्पैक्ट हुआ। और इम्पैक्ट ये हुआ कि न सिर्फ हमारे एग्जामिनेशन में, हमारे बाद जो SSC का एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी कोई नकल नहीं हुई। आपने बात करी है कि मैं RPSC की फंक्शनिंग को पैरेलल लाना चाहूँगा UPSC के लिए, क्या मेजर चीज़ें आपको, चेंजेस आप सोचते हैं या स्टेप फॉरवर्ड आप सोचते हैं कि इस वाली जो एक आपने सोच लाए हो उसको पूरा करने के लिए आपको करना पड़ेगा? तीन मेन स्टेप्स हैं। पहला, एक सेट कैलेंडर हो ताकि हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे कैंडिडेट्स को पता रहे इस तारीख को एग्जामिनेशन होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले साल से एक कैलेंडर पब्लिश कर दें कि RPSC ये 15 तरह के एग्जामिनेशन कराएगी और इनकी ये डेट्स होंगी। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, क्लैश हो जाता है और बच्चा भी नहीं सोच पाता कि कौन सा एग्जाम कब होगा, और अपने यहाँ तो शादी ब्याह त्योहार कई चीज चलती रहती है। दूसरा, हम कोशिश ये करेंगे कि जहां तक हो सके पूरे सिस्टम को डिजिटल कर दें, जैसे कि प्रीलिम्स डिजिटल, उसके बाद में मेन एग्जामिनेशन, जहां डिस्क्रिप्टिव आवश्यक है वहीं डिस्क्रिप्टिव करें। जैसे RS का जो मेन होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, तो जो होना है वो होगा। उसके अलावा हम यहाँ तक प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर्स के स्टैंडर्ड हैं वो भी थोड़े रेज हों। इस बार का जो RS प्रीलिम्स हुए वो किसी तरह से IAS के प्रीलिम्स से कम नहीं था, जो हमारे पास फीडबैक आई है, कैंडिडेट्स की भी, प्रोफेसर्स की भी, कोचिंग क्लासेस वालों की भी, सबकी फीडबैक आई। सब ने कहा साहब इस बार का जो पेपर RS का था वो IAS के प्रीलिम पेपर से किसी भी तरह से कम नहीं था। तो UPSC की और अन्य राज्यों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम फॉलो करेंगे ताकि राजस्थान के यूथ्स और राजस्थान के टैलेंट को ये विश्वास रहे कि जो मैं एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ वहाँ मेरा फेयर असेसमेंट होगा और मुझे फेयर चांस मिलेगा बगैर फेयर के, बगैर फेवर के। हाल ही में सर छोटी मोटी पोस्ट के लिए इंटरव्यूज बंद कर दिए, आप इसको स्टेप को कितना पॉजिटिव मानते हैं? सिवाय उन पदों के जहाँ पर्सनैलिटी का भी एक डिसाइसिव रोल होता है, जैसे कि RS, एलाइट, RPS, या जहाँ आर्टिकुलेशन चाहिए होता है, जैसे लेक्चरर्स, इस तरह के, तो इन दो पोस्टों को छोड़ के बाकी जो पोस्ट हैं, अब जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है या इंडस्ट्री इंस्पेक्टर है या कमर्शियल टैक्स, इसमें इंटरव्यू का कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद भी कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग तो होती है, तो आप ट्रेनिंग में उनकी ग्रूमिंग की जा सकती है, और ट्रेनिंग में भी अगर वो एग्जामिनेशन में पास नहीं हुए तो पोस्टिंग नहीं दी जाती है। सही, मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू का एक तो परसेंटेज बहुत कम हो गया, जो वेटेज है इंटरव्यू का वो एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस
12.5% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो हमने वहाँ उसको रेस्ट्रिक्ट किया। आपको लगता है इससे भ्रष्टाचार को भी थोड़ी सी रोक मिलेगी? क्योंकि देखिए रिटर्न में तो भ्रष्टाचार होना फिर भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इंटरव्यू में होता है, ये सत्य हमें मानना पड़ेगा जी। इसलिए देखिए, जहाँ एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग पे जजमेंट पास करेगा, तो आफ्टर ऑल हम मानव हैं, और मानव मात्र में थोड़ा बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग्स। भ्रष्टाचार से ये मतलब नहीं था, 100% ऑब्जेक्टिविटी किसी ह्यूमन बींग से एक्सेप्ट करना उस ह्यूमन बींग के साथ जाती है। ह्यूमन बींग एक गलतियों का पुतला है, तो हो सकता है किसी में गलती आधा परसेंट हो, किसी में कुछ परसेंटेज ज़्यादा हो, मगर सब्जेक्टिविटी तो रहती है। तो उसका रोल जितना मिनिमम हो उतना ही अच्छा रहेगा। और जो कॉन्फिडेंशियलिटी के जो क्लॉजेस हैं यूपीएससी अडॉप्ट करती है, वही हम लोग करते हैं, जैसे ताकि कैंडिडेट का नाम नहीं बताया जाए, सिर्फ रोल नंबर से हो, कोडिंग ऑफ द आंसर शीट्स हो ताकि पता ही नहीं चले, फेक नंबर्स हो, तो जहाँ तक उसे उसकी सीक्रेसी को मेंटेन किया जाए, तो ये संभव है कि सब्जेक्टिविटी को जीरो तो नहीं किया जा सकता, बट बहुत कम स्तर पे लाया जा सकता है। सर देखिए मेन तो अभी नेचुरली आपकी जो सामने है वो है द आरएएस प्रीलिम्स का, जो अभी जो मेन्स आएंगे, लेकिन बहुत सारे सर छोटे मोटे एग्जाम भी हैं जो भी आरपीएससी हैंडल करती है। और राजस्थान का युवा, मैं तो ये मानूंगी कि एक ना अपने साथ यूँ महसूस कर रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि इतने सालों से सर बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे होते हैं, और पता चलता है क्योंकि सरकार और ऐसी बॉडीज़ जो हैं वो ढंग से कार्य नहीं करती हैं, तो वो हमारे बच्चों के करियर के साथ एक खिलवाड़ है, मैं ये मानती हूँ। बाकी एग्ज़ाम्स की तरफ भी पूरा ध्यान देने के लिए क्या आपके पास मैनफोर्स पूरी है, आपकी कमिटीज़ कम्प्लीट हैं, और क्या एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल? हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम अभी वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। करोड़ों युवा जो इंतजार कर रहे हैं सर, लाखों युवा बैठ के, सारे एग्जाम टाइम पर होंगे। मैं राजस्थान की युवा प्रतिभाओं को आपके इस लोकप्रिय कार्यक्रम के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, आयोग के अध्यक्ष होने के नाते भी और एक राजस्थानी होने के नाते, कि हम लोग बैकलॉग क्लियर करने के बाद एक साल के अंदर अंदर एक सेट कैलेंडर के हिसाब से पेंडेंसी को जीरो पे लाने की कोशिश करेंगे, कि जिस साल की जो वैकेंसीज है वो एग्जामिनेशन उसी साल हो, जैसा कि यूपीएससी में होता है, नंबर वन। नंबर टू, हम मैनुअल से डिजिटल की तरफ जाएंगे, और उससे मेरे ख्याल से स्पीड पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, स्पीड, एक्यूरेसी और भ्रष्टाचार, तीनों पे लगाम लगती है। क्योंकि सर बहुत सारी पेंडेंसी तो हमारे इसलिए हो जाती है कि वहाँ रिजल्ट डिक्लेयर होता है और अगले दिन कोई ना कोई कोर्ट में चला जाता है जी, और वहाँ स्टे लग जाती है जी, कहानी खत्म। हाँ, तो इस बार हमने एक नया स्टेप ये लिया कि यूपीएससी मॉड्यूल को फॉलो किया, जैसे कि प्रीलिम जो हुआ एक पेपर था 3 घंटे का, जबकि पहले ऑप्शनल वगैरह सब होते थे और जरूरत भी नहीं है। अब जो मेन होगा उसमें 4 पेपर होंगे, और 4 पेपर कॉमन होंगे, GS1, GS2, GS3, GS4, और हम एक एक दिन में करेंगे ताकि कैंडिडेट्स के ऊपर भी थोड़ी आसानी रहे। पेपर वन जैसे मान लीजिए सोमवार को हुआ, तो फिर सोम, मंगल, बुध और गुरुवार, इस तरह से ओके। तो 4 दिन में 4 पेपर होंगे, डेट्स हम जिस दिन हम रिजल्ट निकालेंगे तब उस दिन निकाल देंगे। बिल्कुल सही सर, आप अभी आपने कहा कि एक राजस्थानी होने के नाते, लेकिन उसके साथ साथ आप एक ब्यूरोक्रेट भी हैं, और अभी आप ब्यूरोक्रेसी के लिए ही एक तरह एग्ज़ाम ले रहे हैं। अक्सर बात होती है कि हम लोग इंटेलेक्ट तो टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड फॉर अ ब्यूरोक्रेट नहीं टेस्ट कर पाते। मैं ये मानती हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक ब्यूरोक्रेट में होनी चाहिए वो है जन सेवा की भावना। और हाल में जो फ़िलहाल आजकल जो बार बार प्रश्न उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि शायद हमारी ब्यूरोक्रेसी मेजॉरिटी इसको कहीं ना कहीं लैक कर रही है। आप क्या मानते हैं, कैन दिस बी टेस्टेड? काफ़ी हद तक संभव है। साक्षात्कार लेना भी एक कला है, और इस तरह के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिखाते हैं साक्षात्कार कैसे लिया जाए, नंबर वन। नंबर टू, कैंडिडेट की जो नॉलेज है वो रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट की जा चुकी है जी, सो इंटरव्यू में नॉलेज रिलेटेड प्रश्न पूछना हम डिस्करेज करते हैं। हाँ, सेंस भी नहीं है, सही बात है, वो तो दिखाई दिया उसने। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि जो कैंडिडेट आया है उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है और उसका लेट वो एटीट्यूड क्या है, दोनों बातें, पब्लिक सर्विस के प्रति उसका रुझान किस तरह का है। तो इस तरह के साइकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स हैं जो बातचीत में, कन्वर्सेशन में करते करते उसको एट ईज ला के, और इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि उनके आंसर से आप पता कर सकते हैं कि इन महाशय का या इन कैंडिडेट का एप्टीट्यूड क्या है। नंबर टू, उसको कोई वेटेज है, आफ्टर ऑल इट इज पब्लिक सर्विस, इट इज ए पब्लिक सर्विस। बिल्कुल, तो पब्लिक स्पिरिटेड यूथ ही इसमें आना चाहेंगे, और
मैं ये मान के चलता हूँ कि आईएएस और आरएएस ये हमारी जो प्रीमियर सर्विसेज हैं इसमें वास्तव में पब्लिक सर्विसेज की असीमित संभावनाएं हैं। मैं तो खुद 36 साल तक आईएएस में रहा हूँ और मैंने इस बात को महसूस किया कि आपको बहुत अच्छा कैनवास इससे मिलता है। मेरा अभी मानना है कि मेजोरिटी ऑफ द सिविल सर्विस ऑफिसर्स दे आर पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड और खास तौर से जो गाँव से हमारे कैंडिडेट सक्सेसफुल होकर अभी आ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड आया है पिछले 4-5 वर्षों में। ग्रामीण पृष्ठभूमि के कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं यूपीएससी में भी, बहुत अच्छी बात, और आरपीएससी में। मैं खुद एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से था और मैंने अपना आईएएस के एंट्री में टॉप किया था और उस वक्त इंग्लिश मीडियम एंट्री होता था जबकि मैं कभी किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं गया और मुझे इस बात का फक्र है कि 35 साल की आईएएस की सर्विस के बाद मैं वहाँ की टॉप सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पद से रिटायर हुआ। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो कैंडिडेट्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो हमेशा ज़्यादा प्रो पीपल होते हैं, ये मेरा मानना। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ाव बना रहता है सर, और हम लोग शायद जो शहरों में आ जाते हैं वो थोड़ा सा कहीं एक दूर हो जाते हैं। जैसे आपने कहा सर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, वैसे तो बहुत और भी आपने इस लेवल के पद संभाले, लेकिन मैं इसके बारे में प्रश्न करना चाहूँगी सर। टूरिज्म राजस्थान की स्ट्रेंथ होना चाहिए पर नहीं है, मेरे ख्याल से टूरिस्ट राजस्थान से नाराज़ है आज के दिन, और ये एक फैक्ट है, चाहे कुछ भी फिगर्स हम लोग निकाल के खड़े करने की प्रयास करें। मैं भारत सरकार में पर्यटन सचिव रहा हूँ और राष्ट्रीय स्तर से मैंने इस बात को महसूस किया है कि भारतीय पर्यटन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते राजस्थान के बिना। राजस्थान जो है वो भारतीय पर्यटन का सिरमौर है, बिल्कुल एक मुकुट है। पिछले कुछ महीनों में जो स्टेप्स राजस्थान गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि टूरिज्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में उन्होंने जो इंसेंटिव दिए हैं, या अभी जो रिसर्जेंट राजस्थान हुआ उसमें 40,000 करोड़ के एमओयूज टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है। सो मेरा ये मानना है कि पर्यटन हमारे राजस्थान की विकास का 1 of the top 5 सेक्टर्स है और आने वाले समय में भी रहेगा। माइंस एंड मिनरल्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल और अब टूरिज्म, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। अब भारत सरकार भी हमको फूड सपोर्ट कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट को, हमारे पास इतना ज़्यादा है, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कि हमारे पास 350 मॉन्यूमेंट हैं। अभी जब तक हम 30-40 का ही कंजर्वेशन कर पाए, 250 का कंजर्वेशन करना है। पूरे हिंदुस्तान में 3,500 मॉन्यूमेंट्स हैं, तो काम इतना ज़्यादा है कि, और फिर जब हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो जो हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक रोड्स, वो हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी होंगी बजाय आर्ट, कल्चर और टूरिज्म होने के। लेकिन आप नहीं मानते कि अगर जैसे पब्लिक रोड्स हैं या हेल्थ और एजुकेशन है, अगर ये चीज़ें सुधरेंगी तो अपने आप ही टूरिज्म पर भी फ़र्क पड़ता है सर। अब मेरा ये आखिरी, मैं प्रश्न तो नहीं कहूँगी, एक आपसे रिक्वेस्ट है, एज आरपीएससी चेयरपर्सन आप राजस्थान के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं राजस्थान के युवाओं को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जैसा कि आपने 2013 के आरएस प्रीलिम में 31 अक्टूबर को देखा कि एक भी पत्ता नहीं हिला और कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं हुई, ऐसा ही एग्जामिनेशन हम आइंदा करेंगे। पूरा अप्रेजल सिस्टम और जो सिलेक्शन प्रोसेस है बगैर फियर और बगैर फेवर के लेवल प्लेइंग फील्ड के रूप में हम करेंगे ताकि युवा प्रतिभाओं का आकलन सही हो सके और किसी तरह का भ्रष्टाचार प्रोसेस में नहीं हो, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा। क्योंकि मैं खुद बगैर किसी सिफारिश के अगर यूपीएससी में आईएएस के इंटरव्यू में टॉप करके आईएएस में राजस्थान अकेडमी में आ सकता हूँ, तो जो मुझे यूपीएससी ने दिया फ्री एंड फेयर सिलेक्शन, वो आरपीएससी के माध्यम से मैं राजस्थान के यूथ को, पूरी जो मेरी टीम है, सारे मेंबर्स आए हम मिलकर आपको देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा। और आगे जो भी हम एग्जामिनेशन करेंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्टाइल से करेंगे, ये यकीन आपको दिलाना चाहूँगा। आपके इन बहुत ही, मैं तो कहूँगी, मोटिवेशनल शब्दों के लिए, क्योंकि जी जब अनफेयर मीन्स होते हैं तो बाकी तो सब ज़िंदगी में आगे चल पड़ते हैं, लेकिन जिस युवा ने मेहनत करी है सर उसका मन बहुत टूटता है। और राजस्थान के युवाओं के लिए ये एक आशा की किरण रहेगी कि आरपीएससी अपना कार्य बिल्कुल पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार से मुक्त होके और प्रदेश की भलाई के लिए करेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ईटीवी परिवार की ओर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। तो ये थी जी हमारी बातचीत ललित पवार जी के साथ, हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।